ऑल राइट, सभी स्टूडेंट्स आ गए एंटी रैगिंग फॉर्म भरने। तो गाइस सभी का स्वागत है इसी वीडियो के अंदर। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत इजी स्टेप बताऊंगा यार, कुछ भी नहीं है एंटी रैगिंग फॉर्म भरना। एंड यार ये जरूरी होता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भर लेना, कॉलेज वाले ये मांगते हैं एडमिशन के टाइम। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी आपको बोला जाता है कि अपना एंटी रैगिंग फॉर्म दिखाओ, कि ना ही आप किसी की रैगिंग करोगे ना ही आपके साथ होने देंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको एंटी रैगिंग फॉर्म यहाँ पे भरना है नेशनल एंटी रैगिंग की वेबसाइट पे आके, यहाँ पे www.antiragging.in पर। ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ, कान खोल के सुनना। और ये बहुत इजी स्टेप होने वाला है, और ये पूरा स्टेप जो है ना ये भाई दिमाग में बिठा के कर लेना वीडियो देखने के बाद। तो चलो पूरी वीडियो में बने रहना, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस, स्टार्ट करते हैं स्टेप को। तो भाई जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे www.antiragging.in पर, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। नीचे नीचे आओगे, नीचे आने से पहले ना सबसे पहले ये कॉपी कर लेना। ये आपको नंबर दिख रहा है, ये एंटी रैगिंग का हेल्पलाइन का, ये मैं बाद में बताऊंगा ये मैंने क्यों बोला ऐसा आपको, ठीक है। ये कॉपी कर लेना, एंड इसको कॉपी करने के बाद बाकी हम फिर चलेंगे नीचे। एंड नीचे के बाद बेसिकली यहाँ पे सीधा अंडरटेकिंग पे ऊपर टैब दिख रहा होगा, यहीं पे रजिस्टर पे क्लिक कर दो, ठीक है। अंडरटेकिंग के लिए रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ये वाला पेज दिख जाएगा, एंड इसके नीचे लिखा आएगा चूज योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टाइप। कैसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है आपका, कॉलेज है, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है। अब आपका डेफिनेटली यहाँ पे एक कॉलेज है, तो कॉलेज पे क्लिक करेंगे जो भी आप डेडिकेटेड कॉलेज के लिए करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कॉलेज पे आपको ये दिख जाएगा अंडरटेकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर कॉलेजेस, एंड यहाँ लिखा है जो भी यहाँ पे स्टार मार्क है फील्ड पे वो यार मैंडेटरी है, ठीक है। जिस पे ऑप्शनल लिखा है वो नहीं भी भरोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको जो है कुछ सेक्शंस मिलेंगे, वो आपको फिल करना है, जैसे स्टूडेंट डिटेल्स, पेरेंट गार्जियन डिटेल्स, कॉलेज कोर्स की डिटेल्स, यूजीसी रेगुलेशंस पे ये सारे चेक कर देना है आपको, कॉन्फिडेंशियल सर्वे पे नो नो करके आपको चेक करके सबमिट फॉर्म कर देना है। एंड मैं आपको जो है आप स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ऊपर से आपको क्या करना है। फर्स्ट नेम के अंदर आपको कुछ भी यहाँ पे नाम अपना भर देना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी लिख दिया। मिडिल नेम ऑप्शनल है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। लास्ट नेम में भी आप कुछ लिख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अपना नाम लिख देना। एंड उसके बाद मोबाइल नंबर के अंदर अपना मोबाइल नंबर का इस फिल कर देना, उसके बाद अपनी सैंपल मेल आईडी डाल देना, ठीक है। जो भी है मैंने यहाँ पे आपको सैंपल के लिए डाल के दिखा दी है, कोई भी मेल आईडी ये डाल दोगे डमी डेटा। एंड उसके बाद जेंडर चूज कर लेना जो भी है, क्योंकि यार जो भी स्टार फील्ड करके यहाँ पे है ना, जिसके आगे स्टार लिखा है वो मैंडेटरी है, वो आपको डालना ही पड़ेगा। देन अपना सिटी चूज करना, स्टेट चूज करना, एंड सेलेक्ट नेशनलिटी इंडियन। एंड उसके बाद ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट। देखो कितना ईजी है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आओगे पेरेंट और गार्जियन डिटेल्स पे, पेरेंट या गार्जियन का नाम डालोगे कुछ भी, अपने मम्मी या पापा का कुछ भी। एंड उसके बाद उनका फोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट एंड एड्रेस। सिंपल, पेरेंट और गार्जियन का एड्रेस डालना है जहां पे वो लोग रहते हैं, ऑब्वियसली आप भी वहीं रहते हैं, ठीक है। तो वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है पेरेंट और गार्जियन का। एंड नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट, ये सब आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, अब आगे अगर हम बढ़े, ये दो सेक्शन हमने देखो कितनी जल्दी खत्म भी कर लिए, सेम आपको डालना पड़ेगा। आगे अगर हम देखेंगे पेरेंट और गार्जियन डिटेल हो चुका है हमारा, उसके बाद चलेंगे हम कॉलेज एंड कोर्स डिटेल की तरफ। तो कॉलेज और कोर्स डिटेल में बेसिकली ये पूछा गया कि स्टेट इन विच कॉलेज इज बेस्ड, कि कौन से स्टेट में आपका कॉलेज है। तो दिल्ली में है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिल्ली आप सेलेक्ट करना और कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना कौन सा कॉलेज है। देखो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, और भी दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस आ गए हैं, अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, बहुत सारे आ चुके हैं। लेकिन हमें डीयू के बच्चे हैं हम, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे केशव महाविद्यालय यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। एंड केशव महाविद्यालय जैसे ही लिखा मैंने कीबोर्ड से, ये आ चुका है एंड साथ में कोड भी आ चुका है। एंड आप देखो देख सकते हो यहाँ पे योर कॉलेज डिटेल्स करके ये चार सेक्शन और बने आ गए, पहले नहीं थे। एंड ये ऑटोमेटिकली गाइस फिल हो चुके हैं, जिसके अंदर कॉलेज का कोड लिखा है कि कौन सा आपका कॉलेज है। इस यूनिक कोड से कॉलेज पहचाना जाएगा, कॉलेज का नेम, यूनिवर्सिटी का कोड यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कोड है, और यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। ऑल राइट, जब जैसे ही आप ये भरेंगे उसके बाद आपका नीचे लिखा आएगा सेलेक्ट कॉलेज फर्स्ट एंड देन फिल द फॉलोइंग एज पर द कॉलेज डिटेल। जो भी आपने कॉलेज भरा है उसके हिसाब से अब आपको कॉलेज की डिटेल्स भरनी है, जैसे कॉलेज का डायरेक्टर का नेम। अब कॉलेज में अगर डायरेक्टर नहीं है, प्रिंसिपल है, ठीक है, बेसिकली वही चीजें होती है, तो आप प्रिंसिपल का नाम यहाँ पे भर सकते हैं, अपने सर या मैम का, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे कॉलेज की तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे केशव महाविद्यालय अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊं तो आपको जो है चीजें देखने को मिलेगी। एक सेकंड, मैं आपको दिखा रहा हूँ वेबसाइट पे। गाइस मैं आपसे ना कोई भी एक स्टेप हटाना नहीं चाहता, छुपाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको सारे स्टेप्स यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी वेबसाइट यहाँ पे लोड ले रही है, एक मिनट रुक जाओ, बस ये रहा, आ चुका है। एंड ये देखो प्रिंसिपल डेस्क करके लिखा है ना, ऐसे करके आपको चीजें मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देख लेना कि ये प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, मिस हैं, या ऐसे करके जो भी इनकी डिजिग्नेशन है, जो भी ये हैं, और साथ में नाम देख लेना प्रिंसिपल मैम का या प्रिंसिपल सर का जो भी है। एंड उसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर लेना, ऑप्शन आएगा डॉक्टर, प्रोफेसर, मिस्टर एंड मिसेस, ठीक है, ऐसे करके मिस्ट्रेस
एंड उसके बाद नाम लिख देना, जो भी अपने प्रिंसिपल का नाम होगा, डायरेक्टर का नाम होगा, एंड कॉलेज का फोन नंबर डाल देना। बेसिकली आप कॉलेज का फोन नंबर आपको कॉलेज की वेबसाइट से ही मिल जाएगा, नीचे जाके अबाउट सेक्शन में। एंड कॉलेज लैंडलाइन नंबर डालना ऑप्शनल है, तो छोड़ो भाई ऑप्शनल चीजों को मत देखो, ठीक है, छोड़ दो इसको। बाकी यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ द कोर्स, कोर्स की आपको डिटेल डालनी है कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो। बेसिकली ये ऊपर वाले को सिलेक्ट मत कर लेना, इसका मतलब है अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 साल का कोर्स, ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट डिग्री आप कर रहे हो तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री पे आप क्लिक करोगे। अंडर ग्रेजुएट डिग्री के क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोर्स लिखोगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पे अपना ही कोर्स डाल दिया, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ऑनर्स एंड कंप्यूटर साइंस ऐसे करके, तो आप भी अपना कोर्स यहाँ पे डालेंगे ऐसे करके, सब देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, टोटल। अब ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन हो गया, नहीं, अगर सेक्शन बटे हुए हैं तो टोटल कोर्स के अंदर स्टूडेंट बताने हैं दोनों सेक्शन का मिला के। ये आपको कॉलेज की वेबसाइट में दिख जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके यहाँ पे कोर्स के अंदर, ठीक है। कॉलेज की वेबसाइट में जाके देखोगे कोर्स के अंदर इनटेक कितना है, सीट कैपेसिटी कितनी है, उतना नंबर ही आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं पता ऑब्वियसली तो आप वही डाल देना। एंड यहाँ पे लिखा होगा करंट ईयर ऑफ स्टडी, तो आप फर्स्ट ईयर में अभी जाएंगे तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेना। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिखा है, जो भी कॉलेज के पास नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, जैसे इस केशव महाविद्यालय के पास रानीबाग जो है पुलिस स्टेशन, वो ज्यादा सबसे क्लोज है, तो वो डालेंगे। एंड बाकी जो भी और लोग हैं वो यहाँ पे गूगल मैप पे जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ठीक है, और साथ में कॉलेज का नाम लिख सकते हैं तो पता लग जाएगा कौन सा पुलिस स्टेशन जो है नियरेस्ट है, ठीक है। ये सब भरने के बाद यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशन, ठीक है, तो यूजीसी रेगुलेशन पे आपको चेक करना यहाँ पे जरूरी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है, इनके जितने भी यहाँ पे रेगुलेशन है सब पे टिक कर देना, टिक 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 और टिक, 5 रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल सर्वे, अब यहाँ पे लिखा है वर यू एवर रैग, ठीक है, तो आपको नो पे क्लिक करना है। डिड यू एवर रैग एनी बडी, नो पे क्लिक करना है भाई, कोई होगा यहाँ पे जो यस पे करेगा, कोई भी नहीं करेगा भाई, नो पे करना है, ठीक है, हिसाब से की बात, जोक्स अपार्ट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द फोन नंबर ऑफ नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, तो ये अभी आपको याद आया होगा जब मैंने सबसे पहले आपको नंबर कॉपी कराया था वेबसाइट पे आने के बाद ही वीडियो के शुरू में, तो वही भाई कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करना था, ये लो मैंने पेस्ट कर दिया, ये लास्ट में मांगते हैं नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन का नंबर, ठीक है, तो वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे लिखा है डज रैगिंग हैपन इन योर कॉलेज, तो आपको भी पता नहीं है आपके कॉलेज में रैगिंग होती है नहीं होती, तो आप नो लिख दो, ठीक है, नो पे टिक करके यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे वार्निंग एक दी गई है, प्लीज रीचेक योर डिटेल स्पेशली ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। यस बिल्कुल, ये लोग इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपने डाला है ना, उसी को आपको दोबारा डालना पड़ेगा अपने एंटी रैगिंग फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। अभी तो रजिस्टर कर रहे हो, मैं डाउनलोड करने का भी स्टेप आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसी आपकी डिटेल सारी करेक्ट हो, एक बार ऊपर चेक कर लेना, पूरे स्टूडेंट डिटेल, पेरेंट गार्जियन डिटेल, कॉलेज एंड कोर्स डिटेल, ऐसे आगे बढ़ेंगे, यूजीसी रेगुलेशन, कॉन्फिडेंशियल सर्वे। उसके बाद यहाँ पे आई हैव रीचेक द फॉर्म एंड कन्फर्म दैट ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, देन सबमिट फॉर्म पे आप लोग क्लिक कर देना। मेरा इसलिए अभी सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी डिटेल्स पूरी नहीं डाली, आप लोग करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अंडरटेकिंग का कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद देखो जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा ना, आपको ना एक रेफरेंस नंबर मिलेगा यहीं पे, ठीक है, अगले पेज में ऐसे करके यहीं पे आपको जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। उस रेफरेंस नंबर को गाइज नोट डाउन करके रख लेना, मैंने अभी फॉर्म नहीं भरा तो मैं वीडियो के अंदर नहीं दिखा सकता रेफरेंस नंबर, मेरे पास नहीं आएगा, अगर भरता तो आता, तो आप भरेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। रेफरेंस नंबर जैसे ही मिल जाएगा फिर आप वेबसाइट पे आना एंटी रैगिंग की, जैसे आते हैं ये रहा एंटी रैगिंग की वेबसाइट, ऊपर क्लिक करना अंडरटेकिंग वाले टैब पे, एंड यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना। पहले हमने कौन सा किया था, रजिस्टर के बटन पे क्लिक, अब रजिस्ट्रेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब हमें करना है डाउनलोड, तो डाउनलोड के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखो जैसे मैंने आपको बोला था रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, तो वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कुछ भी आप रेफरेंस नंबर आपको मिला होगा, मैंने यही फोन नंबर ही डाल दिया इनका, एंड ईमेल आईडी आप अपने डालेंगे, जैसे लेट सपोज मैंने अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, ये मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, फोन नंबर कुछ भी रैंडम सा डाल दो, रैंडम मतलब अपना डालना, मैं तो रैंडम ही डाल रहा हूँ, ठीक है, ये ट्राई मत करना भाई मेरा फोन नंबर नहीं है, मिलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद सबमिट क्वेरी पे क्लिक करना, जैसे ही करोगे आपको जो है मिल जाएगा, यहाँ पे इसलिए लिखा है नथिंग फाउंड फॉर गिवन क्रेडेंशियल, क्योंकि क्रेडेंशियल गलत है, तो यस रेफरेंस नंबर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालोगे आपको मिल जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, उसको डाउनलोड करो, उसका प्रिंट निकालो गाइस, एंड उसके बाद कॉलेज में जाओ खुशी खुशी, 29 तारीख को कॉलेज जाना है, एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम की डिटेल्स मेरे शॉर्ट सेक्शन पर मिल ही रही है आपको, मैं और भी डालता जाऊंगा जैसे जैसे, देखो कुछ कॉलेजेस के आ चुके हैं
लेकिन मैंने अभी तक डाले नहीं है, तो वो भी मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे। मैं आपके लिए कॉन्टेंट प्लान कर रहा था, एंड यही कुछ सिंपल स्टेप्स में एंटी रैगिंग का फॉर्म यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए इस वीडियो को, एक लाइक जरूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। लेजिट कॉन्टेंट, एक अच्छे कॉन्टेंट जितने जो आपको जरूरी है वो लाने के लिए चीजें, तो यार एक सपोर्ट थोड़ा सा दिखा देना, लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के पास, क्योंकि यार ड्यू में जो भी कोई कॉलेज जो भी कोई कोर्स का बच्चा हो उन सबको एंटी रैगिंग फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए बनवा के, ठीक है। हमने भी बनवाया था, आपको भी बनवाना पड़ेगा, एंड इसीलिए जो है अब इसको शेयर कर देना जितना हो सके, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल कर देना ऐसे अपडेटेड रहने के लिए और मजेदार मजेदार अपडेट्स पाने के लिए। तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ फिर ऐसी अगली अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।